हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस किया था। आज हम लोग नया लेशन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर्स, जिसका नाम होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा देखा कई बार 10 करोड़ बार नीट में आ चुका है, मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी हम बात करेंगे। देखिए, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये क्या है। जैसे कि आपने देखा, प्लांट हो या एनिमल, दोनों में ग्रोथ होता है। यानी ग्रोथ इज, देखा आपने, मोस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इसलिए है कि एनिमल और प्लांट दोनों में ये ग्रोथ होता है। और आप जानते ही हैं कि ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाई एक्सिनोमीटर। किससे मेजर करते हैं? एक्सिनोमीटर। और इस तरह से हमने देखा कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो ये ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होता है। और इसमें आपने ये भी देखा कि ग्रोथ जहाँ भी स्टार्ट हुआ, इस तरह के जो ग्रोथ होते हैं, ये डिसेंट जायगोट से भी डेवलप होते हैं। और जब जायगोट से डेवलप होते हैं, इसे डिसेंट ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ लीफ है। ये एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज बेस्ट एग्जाम्पल फॉर, देखा आपने, ग्रोथ। और ग्रोथ की अगर बात करें तो ये देखिए, ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में भाई बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ग्रोथ होता है। जैसे कि कोई वुड है, अगर उसको डिस्टिल वाटर या किसी वाटर में अगर उसको कैप्ट कर देते हैं, रख देते हैं, तो कुछ समय के बाद स्वेलिंग हो जाती है। और वो जो स्वेल कर रहा है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो जो है एक्चुअली में ग्रोथ नहीं है, साइज में तो बढ़ रहा है, वो इम्बाइवेशन होता है। क्या होता है? इम्बाइवेशन। जैसे ऑस्मोसिस डिफ्यूजन आप पढ़े हैं, उसी तरह से वो इम्बाइवेशन होता है। तो ये देखिए, ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ में देखा बहुत सारे की ग्रोथ की बात कर रहे थे, ज्योमेट्रिक भी होता है, अर्थमेटिक भी होता है। तो ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ के जोन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये आपने देखा। लीफ की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट इसका, पहले पीजीआर की बात करें, जिसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं। और इसको याद करने के, इसमें जो टोटल आप देखिए ग्रोथ हार्मोन होते हैं, वो 5 होते हैं मेनली प्लांट में, जिसका आपने देखा इसे एनिमल में पढ़ा था। ये प्लांट होता है, एजी क्या है, ये आसान तरीका, ए से ऑक्सीन, जी से जिबरलिन, सी से साइटोकाइनिन, ए से एफसीसी और ई से इथाइलिन, है से हार्मोन। ये टोटल प्लांट हार्मोन है, इसलिए हार्मोन को फाइटो हार्मोन बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिसमें नाम बता रहे थे कि ये देखिए, जिसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अभी आपने देखा ग्रोथ क्या है, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस क्या है, डिफरेंसेस। और इसमें इंपॉर्टेंट पीजीआर की आज बात करेंगे, और पीजीआर को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर्स होते हैं, ये टोटल आप देखेंगे, ये नाम बता रहे थे, इसके लिए कोड बताते, एजी क्या है। देखिए ये कोडिंग है, यहां पर लिखा है एजी, ये देखिए ए जी, और ये देखिए सी ए मीन्स क्या है, क्या और है। तो ए से नाम आपने देखा, एक से क्या है, ऑक्सीन है, जिसको आई ए ए बोलते हैं, और जी को क्या बोलते हैं, जिबरलिंस, ये जिबरलिंस है, जिसको जी ए थ्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जी ए थ्री। सी से साइटोकाइनिन, जिसको जियाटीन या काइनेटिन। ए से एफसीसिक एसिड, ए से क्या है, एफसीसिक एसिड, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ई से क्या है, इथाइलिन, और इथाइलिन क्या है, ये गैसियस हार्मोन है, C2H4 की बात करें। है से क्या है, ये हार्मोन है। ये जितने सब हार्मोन है, इस हार्मोन को प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन बोलते हैं, फाइटो मीन्स प्लांट हार्मोन। तो देखिए ए जी, तो ए जी सी ए क्या है, और ये सब प्लांट हार्मोन है। और इसमें से 3 जो है, ये ग्रोथ क्या होता है, प्रमोटर होते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, सेल डिवीजन में, सेल एनलार्जमेंट में, फ्लावर में, फ्रूटिंग में, सीड फॉर्मेशन में। लेकिन ये 2 जो हार्मोन होते हैं, ये ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। अब ग्रोथ इनहिबिटर में ग्रोथ को रोकते हैं, जैसे इसके लिए मेन जो है
ये होता है डॉर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्सेसिंग लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से आपने देखा कि पीजीआर जो है मेनली जो फाइव टाइप के होते हैं, जो मेनली टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल, ये फंक्शन के बेस पे दो तरह के ग्रुप है, एक प्रमोटर और एक क्या है इनहिबिटर। अब इसमें डेरिवेटिव भी आता है, जैसे कि आपने देखा ऑक्सिन है इंडोल डेरिवेटिव है, ये जिवालिन है टारपिन से, ये साइटोकाइनिन है एडिनिन है, प्यूरिन बेस का नाम सुना है एडिनिन है। अभी आप देख रहे हैं एब्सिसिक कैरोटीनॉइड है, इथाइलिन क्या है ये गैसियस हार्मोन है। तो ये हार्मोन अब सबका एक एक फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एक नाम के साथ फंक्शन तो जरूर याद करिए, कभी नहीं भूलने वाला, और ये हमेशा आएगा। जैसे कि आपने देखा ऑक्सिन है एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जिवरलिन बोल्टिंग इफेक्ट के लिए, कौन सा बोल्टिंग इफेक्ट विदाउट एक्सेप्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट। वो अलग की बात है कि इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन एक फंक्शन विदाउट एक्सेप्शन देखिए, और ये साइटोकाइनिन आप जानते हैं डीले सेंसेस या सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल, और ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि एब्सिसिक एसिड ये आप सभी जानते हैं कि इसको स्ट्रेस हार्मोन स्टोमेटल क्लोजर है, और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो डॉर्मेंसी हार्मोन है, कौन सा है डॉर्मेंसी, और इथाइलिन ये गैसियस हार्मोन है, और ये देखे फ्रूट रैपनिंग में हेल्प करता है, फलों को पकाने में हेल्प करता है। तो ये हम बता रहे थे कि ये एजी क्या है, पहले तो जानिए सब पीजीआर है, और ये किस बेस पे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और इसके क्या डेरिवेटिव है, तब इसके बारे में डिटेल कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन क्या है। तो ये आप देखिए नेक्स्ट जो बात कर रहे थे, ये पीजीआर मेनली टू टाइप्स, पीजीआर मेनली टू टाइप्स किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मेनली टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इन लिविंग बॉडी, यानी लिविंग प्लांट बॉडी की बात करें, इस बेस पे टू टाइप के ये पीजीआर है। एक का नाम हमने बताया था ग्रोथ प्रमोटर, ये क्या होता भाई, ये ग्रोथ प्रमोटर, एक ग्रोथ प्रमोटर, एक क्या होता है ग्रोथ इनहिबिटर, ये नाम बता रहे थे ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये देखा आपने ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर, प्रमोटर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी कि ये जो नाम बता रहे थे कि ये सेल डिवीजन में, सेल इनलार्जमेंट में, और सीड फॉर्मेशन में, फ्लावर में, फ्रूटिंग में, ये क्या करते हैं कि ये प्रमोट करते हैं, और ये ग्रोथ प्रमोटर जो है, ये जो नाम बता रहे थे, देखिए ये जो प्रमोटर होते हैं ये क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा ये ऑक्सिन भी आता है, ये देखा आपने इसमें क्या आता है जिवरलिंस, ऑक्सिन और जिवरलिंस, और ये जो नाम बताया ऑक्सिन जिवरलिंस और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन जिवरलिन और साइटोकाइनिन, ये जो नाम बता रहे थे कि ऑक्सिन जिवरलिन साइटोकाइनिन, ऑक्सिन जिवरलिन साइटोकाइनिन, ये तीन प्रमोटर है, और दो इसमें इनहिबिटर है जिसका नाम बताया ए बी ए, एब्सिसिक एसिड, और एक नाम बताए थे इथाइलिन, ये क्या है इथाइलिन। ये जो ऑक्सिन है एक्चुअली में देखा ऑक्सिन को इंडोल थ्री एसिटिक एसिड बोलते हैं, और ऑक्सिन में देखा नाम जो बताया इसको आई ए ए और एक है आई बी ए, ये एक्चुअली में जो है इंडोल कंपाउंड, इसका डेरिवेटिव किसका होता है ये इंडोल, इसको इंडोल कंपाउंड बोलते हैं, और ये जिवरलिन जिसको जी ए थ्री बोलते हैं ये किसका डेरिवेटिव है टारपिन्स, ये टारपिन्स डेरिवेटिव है, ये साइटोकाइनिन जो बता रहे थे ये एडिनिन है, और इसको देखा अभी एडिनिन ये प्यूरिन और पिरामिडिन बेस की बात करें जिसको देखा यन सिक्स फॉर फ्यूरिल एमिनो प्यूरिन, और ये देखा एब्सिसिक एसिड ये एबीए बोलते हैं, और ये नाम बताया ये किसका कैरोटीनॉइड, ये कौन सा है ये कैरोटीनॉइड्स की बात करें कैरोटीनॉइड्स, तो ये कैरोटीनॉइड्स है, और ये स्ट्रेस हार्मोन है इथाइलिन, ये बता रहे थे ये गैसियस हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है
गैसियस हार्मोन है जो फ्रूट रिपेनिंग में काम करता है। तो ये आपने देखा अभी जो डेरिवेटिव की बात कर रहे थे कि इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं और उसकी बात कर रहे थे, और यहां पर देखिए एजी क्या है इसकी बात करें। अब देखिए यहां पर बात करने जा रहा है, अब देखिए इसमें ऑक्सीन का क्या नाम है, ऑक्सीन देखिए आपने फर्स्ट ये क्या है, तो ये बता रहे थे ऑक्सीन, और ऑक्सीन के बारे में बताए ये एक आपने बताया डिस्कवरर, नेक्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम किसमें डिस्कवर किया गया था, ये केमिकल नेम ये मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा आपने, ये डिस्कवर्ड फ्रॉम एंड ये बता रहे थे कि डिस्कवरर, जैसे कि आपने देखा एफ डब्ल्यू वेंट भी है, तो ये भी आप देख रहे हैं इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, इसका टर्म भी है, तो ये भी नाम बताए टर्म गिवन बाय। तो देखिए डिस्कवरर की बात करें और किसने किया था, तो ये भी आप जानते हैं कि एक्चुअली में डिस्कवरर एफ डब्ल्यू वेंट, एफ डब्ल्यू वेंट, जब कभी हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि चार्ल्स डार्विन का नाम सुनेंगे कि चार्ल्स डार्विन है, और ये चार्ल्स डार्विन और हिज फ्रांसिस भाई देखा उनके सन भी फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने कैनरी ग्रासेस में किया था, और ये डब्ल्यू वेंट ने 1928 की बात करें ये जो है सबसे पहले एविना सटाइवा भी किया थे, वो है टॉप को लिपटाइट ऑफ सीडलिंग एविना सटाइवा। तो ये डिस्कवर्ड फ्रॉम देखा ये टीप ऑफ वेट सीडलिंग जिसको एविना सटाइवा बोलते हैं, केमिकल जो नेम होता है इसका आई आई ए का, ये देखिए इसको बोलते हैं इंडोल थ्री एसिटिक एसिड, तो ये इंडोल थ्री एसिटिक एसिड केमिकल है, ये जो फार्मूला होता है सी एच ओ सी टेन एस नाइन ओ टू, और टर्म किसने दिया कोगल एंड इटाल, कोगल एंड इटाल। तो ये जो नाम बता रहे थे कि बेसिक चीज है जो ऑक्सीजन के लिए, जबकि ऑक्सीजन की जो सिंथेसिस होती है एक्चुअली इसका जो मेन जो है नेचुरल सोर्स ह्यूमन यूरिन होता है, और ये भी आपको बता रहे थे कि यहां पर ये देखिए इसकी सिंथेसाइज है एक अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफान, एंड ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड जिंक के प्रेजेंस में, देखा जिंक के प्रेजेंस में ये क्या करता है ऑक्सीजन की सिंथेसिस करता है, तो जिंक के प्रेजेंस में ट्रिप्टोफान से ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है, वैसे ट्रिप्टोफान की बात की ये जो है ऑक्सीजन में मेन इसका जो रोल होता है ये अपेक्स होता है सूट अपेक्स या रूट अपेक्स लेटरल ब्रांचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपने देखा जो अभी बात कर रहे थे कि इनका जो मेन है कि ऑक्सीजन का मेन साइडर रूट क्या होता है उसके लिए देखा कि ऑक्सीजन प्ले मेन प्ले मेनी साइडेड रोल इन लेटरल ब्रांचिंग, मेनी साइडेड रोल इन लेटरल ब्रांचेज यानी कि ये लेटरल मेरिस्टेम, यहां पे लेटरल क्या है मेरिस्टेम, एंड नेक्स्ट इट इज फाउंड इन रूट अपेक्स सूट अपेक्स के अपेक्स तो होता है जब ऊपर से कट कर दिया जाता है, तो ये कटिंग करने पर डीकैप्सुलेशन का नाम सुना होगा साइड में ब्रांचिंग हो जाती है, तो ये आप देख इसका ये पोलर ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन क्या करता है कि देखा जाइलम के थ्रू नीचे से ऊपर पहुंचाता है और फ्लोएम से ऊपर से नीचे, यानी एक्चुअली में ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो पोलर ट्रांसपोर्ट ये शो करता है, जबकि और कोई हार्मोन नहीं। पूरे आपने देखा जो हार्मोन है उसमें से एक ही मेनलेस होता है जीवरलिन्स, नाम सुना होगा
बाकी जितने इसके अलावा हार्मोन होते हैं फीमेलनेस होते हैं। सेक्स रेशियो की अगर बात किया जाए तो एक डिफरेंस है भी, आर्जिन फीमेल फ्लावर बाइसेक्सुअल में फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करता है, जबकि जिबरलिंस मेल फ्लावर को इंक्रीज करता है, फीमेल को डिक्रीज करता है। इसके अलावा और जितने भी ये इसमें हार्मोन है सब फीमेलनेस है, ये ही मेलनेस होता है, कौन जिबरलिंस, ये फीमेलनेस है। तो रूट अपेक्स सूट अपेक्स, और ये क्या शो करता है, इट शो पोलर ट्रांसपोर्ट, क्या कर सकता है भाई, पोलर ट्रांसपोर्ट शो करता है। और इसके अलावा ये किस पर हेल्प करता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक, यानी ये भी नाम होता है, इट आल्सो हेल्प इन टिश्यू कल्चर कौन सा टेक्निक, टिश्यू कल्चर टेक्निक में भी हेल्प करता है। तो ये नाम बता रहे थे, ये हिस्ट्री की बात करते हैं कि जब चार्ल्स डार्विन और हिज सन्स क्या फ्रांसिस डार्विन, ये दोनों जो है सबसे पहले कैनरी ग्रास पर ऑब्जर्व किया, जैसे कि आपने बताया ये कैनरी ग्रासेस जिसको फेरेरी स्पीसी बोलते हैं, इसे फर्स्ट इसके जो है कोलियोप्टाइल किया था। और ये बताया कि जब लाइट इस पर पड़ता है तो ये क्या करता है कि लाइट के तरफ जो है, ये देखिए सूट अपेक्स पे है और लाइट के तरफ ये क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। तो लाइट की वजह से जो बेंड कर रहा है तो लाइट को क्या बोलते हैं, फोटो, और मोमेंट करता है ट्रोपिज्म, इसलिए ये क्या शो कर रहा है, लाइट अपने बेंड टुवर्ड्स लाइट, दैट इज फोटो ट्रोपिज्म। तो ये चार्ल्स डार्विन है, लेकिन आपने देखा ये नाम बता रहे थे। इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है जिसका नाम था एफ डब्ल्यू वेंट, ये एफ डब्ल्यू वेंट की बात कर रहे थे कि एफ डब्ल्यू वेंट ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था एवीना सटाइबा, कैनरी वही एवीना सटाइबा है। और इसके लिए ओएट ऑफ सिडलिन की बात कर रहे थे कि इसमें भी आगार ब्लॉक एक्सपेरिमेंट किया था, और ये बताया कि जिधर लाइट पड़ती है उधर ही ये क्या करता है, बेंड कर जाता है। तो ये जो नाम बता रहे थे कि आर्जिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम टिप ऑफ कोलियोप्टाइल, ये आपने देखा कि इसमें जो नाम बताते आर्जिन आर आइसोलेटेड फ्रॉम टिप ऑफ वेट ऑफ कोलियोप्टाइल। ये देखिए ओएट यानी कि जॉ की बात करते हैं कि इसके जो है टिप पे देखा कोलियोप्टाइल, और इसको सीडलिंग बोलते हैं यानी कि सीडलिंग की बात करें जिसको एवीना सटाइबा में, ये आपने देखा आन क्या है सीडलिंग, और ये देखा एवीना सटाइबा, क्या नाम है एवीना सटाइबा। इसमें एक बार देखिए नीट में भी ये आ चुका है, इसके टेस्ट को एवीना कर्वेचर टेस्ट बोलते हैं। तो ये आपने देखा नेक्स्ट वेंट आल्सो डेवलप एवीना कर्वेचर टेस्ट, देखा आपने बताया वेंट आल्सो डेवलप एवीना कर्वेचर टेस्ट, जिसको और क्या बोलते हैं, ये जगह बायोसे टेस्ट के नाम से जानते हैं एवीना कर्वेचर टेस्ट। ये देखा एवीना कर्वेचर जो टेस्ट है ये ही इस नाम से ही आ चुका है। और ये भी जो है जब अगार ब्लॉक एक्सपेरिमेंट किया तो ये बताया कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगार है ये है और ये अगार ब्लॉक है, इसको बोलते अगर अगर जैसे एलगी से अगर है, अगर इधर लाइट जब पड़ती है तो ये देखा कि लाइट के तरफ ये क्या करता है, बेंड कर जाता है, ये लाइट के तरफ ये भी क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है। ये जो अगर है अगर ब्लॉक ये लाइट के तरफ बेंड कर रहा है, तो इससे ये भी क्या शो कर रहा है, यानी फोटोट्रोपिन्स, क्या बात कर रहा था भाई, फोटोट्रोपिन्स की बात कर रहे थे। तो ये आपने देखा इनकी जो बात कर रहे थे ब्लॉक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे। अब इसके बाद देखिए जो नाम आता है नेचुरल ऑक्सीजन, ये नेचुरल ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन यूरिन, और ये नेचुरल ऑक्सीजन की बात करें तो नेचुरल जो ऑक्सीजन होता है ये आईए इंडोल थ्री एस्टिक एसिड, ये आईबीए इंडोल बिट्राइक एसिड, ये इंडोल बिट्राइक एसिड है, इंडोल थ्री एस्टिक एसिड है,
और इसका सिंथेटिक या आर्टिफिशियल जो आदीन होता है उसमें देखिए यन ए, इसको क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन। तो देखिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D है, 2,4-डाइक्लोरो, ये डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ये है 2,4-5-T, यानी टी मीन्स क्या है, ट्राइक्लोरो, ये देखा आपने, ये ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ये IPA है, इंडोल प्रोपिनोइक एसिड या पायरिक एसिड, इसको बोलते हैं इंडोल प्रोपिनोइक एसिड या पायरिक एसिड। अब इसमें देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है, इसमें जब कभी हायर कंसंट्रेशन में 2,4-D है जब यूज करते हैं तो जो डाइकोटिलीडन प्लांट होते हैं ये किल कर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन मोनोकोटिलीडन प्लांट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये जितने हैं वीडिसाइड में यूज होते हैं या हर्बिसाइड यानी खरपतवार को नष्ट करने में। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2,4-D मीन्स कि आपने देखा 2,4-डाइक्लोरो, इसको क्या बोले, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, देखा आपने ये किस में यूज होता है, यूज है, आपने देखा किस में यूज हुआ भाई, वीडिसाइड्स कंट्रोल है, वीडिसाइड्स या इसको क्या बोलते हैं भाई, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स आर हर्बिसाइड्स, हर्ब्स यानी खरपतवार को नष्ट करने में यूज होता है, और ये क्या करता है, इट किल डाइकोटिलीडन, किस प्लांट में, डाइकोटिलीडनस प्लांट, बट नो एफेक्ट ऑन मोनोकोटिलीडन, यानी मोनोकोटिलीडन प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, केवल डाइकोटिलीडन प्लांट पे होता है जबकि ये पोलर ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखिए इसका देखा आपने फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन का, फर्स्ट हमने बताया ऑक्सीजन डोमिनेंस, तो ये देखा ऑक्सीजन जो है एपिकल डोमिनेंस का काम करता है, यानी कि जब देखा एपेक्स को जब रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं टिप को, तो ये जो टिप पोर्शन जब कट कर देते हैं तो क्या होता है, यहां पर देखिए ये लेटरल ब्रांचिंग, देखिए यहां से जब कट करते हैं तो लेटरल ब्रांचिंग होती है, दोनों साइड में निकल जाता है, तो लेटरल ब्रांचिंग यानी कि रिमूवल ऑफ सूट, देखा टिप दैट इज कॉल्ड डीकैप्टुलेशन, तो ये डीकैप्टेशन का नाम बताते हैं, मीन्स इसका क्या रिजल्ट होता है, लेटरल बल्डिंग, लेटरल बड हो जाता है, देखिए साइड में लेटरल बड, और ये बता रहे, और इसके अलावा क्या, ज्यादा ब्रांचिंग होने से ये किसमें हेल्प होता है, टी प्लांटेशन, इसमें टी प्लांटेशन। अब देखिए इसके अलावा रूट इनिशिएशन में, यानी रूट को इनिशिएट करता है स्टेम कटिंग के बाद, प्लांट प्रोपगेशन का काम करता है, और ये बता रहे थे कि इसके अलावा ये फ्लावरिंग में, और वीडिसाइड विट्स कंट्रोलर है, सेक्स रेशियो को कंट्रोल करता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट आपने कहा इट आल्सो हेल्प इन फ्लावरिंग, इसमें फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये फ्लावरिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने बताया था कि इसके अलावा क्या है, वीड्स कंट्रोलर, इट आल्सो यूज इन वीडिसाइड्स यानी हर्बिसाइड्स, वीड्स कंट्रोलर का काम करता है। इसके अलावा ये नाम बता रहे हैं पार्थिनोकार्पी की बात कर रहे हैं कि ये पार्थिनोकार्पी में भी हेल्प करता है, ये फ्लावरिंग में हेल्प करता है, ये पार्थिनोकार्पी का वीडिसाइड है, एफसीसी में भी हेल्प कर रहा है। तो ये नाम जो बता रहे थे कि ये वीडिसाइड से विस्ट कंट्रोलर है, 2,4-D इसमें आता है, 2,4-D वीडिसाइड, एंड इट आल्सो हेल्प इन पार्थिनोकार्पी,
ये पार्थिनोकार्पी देखा आपने कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट क्या है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसको ये हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, ये टोमेटो में करता है। जबकि बनाना के बाद देखें सीडलेस होता है इन टोमेटो। आप देखिए ये जो नाम बता रहे थे कि पार्थिनोकार्पी है वीडिसाइड है, ये जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, इट आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हमने बताया था ये वीडिसाइड तो है ये जाइलम कंट्रोल, एंड इट आल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन, इसमें हेल्प करता है ये सेल डिवीजन। तो देखा आपने ये जो नाम बता रहे थे एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन, फ्लावरिंग, वीडिसाइड्स, पार्थिनोकार्पी, जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक, और ये जो नाम बताया कि ये किसमें इट कंट्रोल सेक्स रेशियो, मींस सेक्स रेशियो इन बाईसेक्सुअल फ्लावर में सेक्स रेशियो को कंट्रोल करता है। और इसमें देखा होगा कि मेल फ्लावर को ये डिक्रीज करता है एंड फीमेल फ्लावर को क्या करता है ये जो है इंक्रीज करता है, ये फीमेलनेस है। क्या है ये फीमेलनेस, उसे जितने हार्मोन है सब फीमेलनेस है, सिर्फ जो है जिबरलिन है जो मेलनेस होता है। तो ये आपने देखा इनकी बात कर रहे थे कि ओवरऑल जो ऑक्सीन का फंक्शन है, ये इतना हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जो कि ऑलरेडी इसी में से एक बार देखा आपने रिकैपिटुलेशन, ट्री प्लांटेशन, ये जो नाम बता रहे थे वीडिसाइड्स। तो ये कंट्रोलर की बात करते हैं और आज जो है हम ये बात कर रहे हैं और नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें हम आपको जिबरलिंस की बात करेंगे। इसी के साथ आज की हम लोग सेवा समाप्त कर रहे हैं, आप जाइएगा नहीं, बस यहीं फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय यूबीएस।